अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कोहार डैम का मनाजर दिखाऊंगा, जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है और बहुत ही प्यारे लोकेशन पर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखो बच्चे इसमें खेल रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं इसमें। आज कोहार डैम बिल्कुल समंदर की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि उसी तरह लहरें हैं आज इसमें। इतनी ऊंची ऊंची लहरें इसमें मैंने तो कभी नहीं देखे हैं इसमें पहले, कभी आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि तूफान चल रहा है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से लहरें बहुत बड़े बड़े लहरें आ रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हो ये लोग इसमें नहा रहे हैं इसी डैम पर, तो ये बहुत ख़तरनाक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर जिन भाइयों ने ये नहीं देखा है कोहार टांडा डैम, लिहाजा एक दफ़ा विज़िट कर ले इधर, बहुत ही प्यारी जगह है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मुकम्मल सरसब है। ये ऊपर से देख लो, बहुत ही प्यारा मंजर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इस रोड से हम आए हैं और अभी हम अंदर एंटर होंगे कोहार डैम में। इसका मेन गेट है, ये देखो लिखा है कोहार खुशामदीद तांडा डैम, खुशामदीद तांडा वाइल्ड लाइफ पार्क। इसमें हिरन भी है और ये इसका मेन गेट है। और ये ऊपर का मंजर है, बहुत ही प्यारा मंजर है। आज जुम्मे का दिन है और धूप कभी कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, मगर गर्मी थोड़ी सी आज कम है। अभी हम यहाँ से एंटर होंगे। ये कीपीके में कोहार का इलाका है और वहाँ पर है कोहार टांडा डैम, और बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है। अभी हम देखो जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये देखो अभी अंदर हम आ गए हैं और माशाल्लाह रोड भी काफ़ी बेहतर है,
बहुत ही बेहतर है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने इधर रोड बनाए हैं और भी काम किए हैं। पहले इसका रोड बहुत ख़राब होता था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है रोड। और काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत रश होता है, फैमिली आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। तकरीबन 6 बजे का टाइम है और ये मंज़र देख लो कितना प्यारा लग रहा है। कल जब मैं यहाँ पर आया था तो कुछ पेशावर के लोग आए थे, बहुत ही ज़बरदस्त लोग थे। अभी हम ऊपर सड़क पर हैं क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, नीचे अभी उतरे नहीं हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग बाइक पर आते हैं इधर, और जो बाहर के लोग होते हैं वो तो अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। और इसके लिए अपनी गाड़ी भी है, मतलब इसके आगे जो इलाका है वो, उसके लिए गाड़ी आती रहती है। जिन भाई के साथ गाड़ी ना हो या बाइक ना हो तो वो वैसे भी आ सकता है, क्योंकि कोहाट शहर से तकरीबन नज़दीक इतना दूर नहीं है। ये देख सकते हो बस इंतज़ामिया से खाली यही गिला है कि इधर सफाई का थोड़ा ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सफाई इतनी नहीं होती है। बस थोड़ा सा इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ इधर तवज्जो दें, ये बहुत ही प्यारी जगह है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, बस इसकी वजह से, क्योंकि मैं चाहता था कि मुकम्मल जो इसका इलाका है मुकम्मल तुम लोगों को दिखा सकूं कि किस तरह है किस तरह नहीं है। अभी हम नीचे आ गए हैं, ये देख लो, और जिस तरह ये स्क्रीन में नज़र आते हैं ना, रियल में भी पानी इस तरह है। ये देखो लोग आए हैं पिकनिक मनाने के लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं यहाँ पर।
ये देखो पहाड़ मुकम्मल ग्रीन है। काफी रश होता है यहाँ पर, काफी रश होता है यहाँ पर। ये देख सकते हो मगर जो इस इलाके से वाकिफ नहीं है वो लोग तो यहाँ पर नहाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत खतरनाक है। इसमें कोई पता नहीं चलता, तुम अंदर जाते हो तुम्हें अंदर का कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। इसलिए लिहाजा नहाने से परहेज करें। देखो बारिश आने वाली है, हल्की हल्की अभी भी हो रही है। सामने पहाड़ पर देख रहे हो मुकम्मल बारिश का मौसम बना हुआ है। क्योंकि आज तूफान बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से आज इसमें समंदर जैसे लहरें बन रहे हैं। और सामने बोट खड़ी हुई है, ये पहाड़ों के बीच में है। अगर मैं ये कह दूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ डैमों में से यही सिर्फ डैम है, इसके अलावा बहुत सारे और भी होंगे मगर ये भी सिर्फ डैम है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है इसके। लोग आते हैं इस बोट पर बैठ जाते हैं, घूम फिर लेते हैं। ये देख सकते हो अगर इसमें तुम्हें जाना हो तो इसमें तुम्हें मिलेंगे, तुमसे लेंगे 250 रुपये पर हेड। जो दूसरी है जो बाइक की डिज़ाइन पर है, बाइक
तो इसका 500 रुपये टिकट है। काफ़ी तेज तूफान चल रहा है, इसलिए इसको साइड पर खड़ा किया है। ये देखो बहुत सारे लोग आए हैं, बस जो भी लोग आते हैं उनसे यही गुजारिश है कि सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये जगह किसकी है, हमारे लिए है, तो हम ही इसकी सफाई का ख्याल रखेंगे। माजरा चाहता हूँ क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पर मैं ये चाहता था कि कोई मंज़र मुझसे रह ना जाए और तुम सब फ्रेंड को मैं ये सब जगह दिखा दूँ कि किस तरह है किस तरह नहीं है, तो इसकी वजह से। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, मुझे भी कह रहा है कि और आगे ना जाऊं। ये देख सकते हो तुम लोग, अभी हम वापस ऊपर सड़क पर आ चुके हैं। ये देखो ये स्पिलवे आज खुला हुआ है, देख सकते हो बहुत ही प्यारा मंजर होता है इसका। इतना ठंडा पानी ये होता है कि पूछो मत। ये आज फुल मुकम्मल खुला हुआ नहीं है, यानी मतलब अगर 100 में से आज 60 से 65% ये खुला हुआ है, जब ये मुकम्मल खुल जाए तो इसका कुछ और ही मंजर होता है। अगर कोहार डैम आ जाओ और ये ना देख लो, समझो तुमने कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि ये मंज़र बहुत ही प्यारा होता है। मैं आगे जाता हूँ, आप लोगों को और भी नज़दीक से दिखाता हूँ।
ये देख सकते हो। वीडियो को एंजॉय करो। जिन भाइयों ने नूरखान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो नूरखान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।